सच्ची श्रद्धा एक विश्वास नहीं है, यह एक अनुभव है। ईश्वर का अनुभव किया जाना चाहिए और अनुभव आने से पहले कभी विश्वास ना करो, कभी नहीं, क्योंकि एक बार जब विश्वास तुम्हारे अस्तित्व में प्रवेश कर जाता है तो ये तुम्हें विषाक्त कर देता है। विश्वास क्यों करें, क्यों ना अनुभव करें? ये कोई सिद्धांत या दर्शन नहीं है, ये बात अनुभव की है और विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी ईश्वर में विश्वास मत करो, क्योंकि फिर तुम उसे कभी नहीं जान पाओगे। एक साधक को अपने संशय, अपने संदेहों से गुजरना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि एक दिन वो विश्वासों से ऊपर उठ सके और जीवन में सच्ची श्रद्धा का जन्म हो सके। इसलिए जो भी भीतर प्रश्न है उनसे गुजरना है, ताकि एक दिन तुम असली उत्तर तक पहुंच सको। एक दिन संदेह ही श्रद्धा बन जाता है। एक साधक को अपने होने पर, अपने विचारों पर, अपने भावों पर संदेह करना है, और जब तुम इस सब पे संदेह करते हो तो तुम पूरे संसार पर संदेह करते हो। चांग तजू का एक प्रसिद्ध कथन है जिसमें वो कहते हैं, एक रात मैंने सपना देखा कि मैं एक तितली बन गया और तब से मैं हमेशा मुश्किल में रहा हूँ, क्योंकि मैं ये निर्धारित नहीं कर पाया हूँ, अगर चांग तजू सपना देख सकता है कि वह एक तितली है तो कौन जानता है, सुबह में तितली सो जाए और सपना देखना शुरू कर दे कि वह चांग तजू है, कौन जानता है। अपने भीतर विश्वासों के बंधनों को छोड़ दें और उस अनुभव की ओर बढ़ें जो हमें सत्य की सच्चाई से जोड़ता है। जब हम अनुभव की इस यात्रा पर चलते हैं, तब हम विश्वास और अविश्वास के पार एक गहरी श्रद्धा की ओर अग्रसर होते हैं, जो हमें आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, जिसमें कोई भय नहीं, जिसका होना तुम्हारा होना है। प्रणाम।